गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा द सिंह और हम विनिर्माण उद्योग आपका चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्कशीट 50 है, लास्ट की एक दो इंडस्ट्री हमारी रहती है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, रडार हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्या उद्योग के लिए उपयोग के लिए अन्य उपकरण इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं या कौन सी जगह है हमारे देश में, बेंगलुरु। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का भी विकास हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यहाँ पे अब हम बात करेंगे उद्योगों के विकास के साथ, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ है तो प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है। अब चार टाइप का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। अब प्रदूषण को रोकने के उपाय में तो आप ये लिख देंगे कि हमें कम उपयोग करना चाहिए चीजों का, और जो चीजें दोबारा उपयोग हो सकती है उनका दोबारा उपयोग करना चाहिए, और जो रिसाइकल हो सकती है यानी कि कुछ और उनका बन सकता है तो उनका पुनर्चक्रण करना चाहिए। बारिश के जल को हमें क्या करना चाहिए, संग्रह करके रखना चाहिए। औद्योगिक कचरे को जो है उसका निस्तारण करना चाहिए। ऊर्जा के जो नए साधन है, नवीकरणीय साधन है, उनका यूज करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर तो यहीं से आ जाएगा आपका। आंसर नंबर टू ये पूरा लिखेंगे आंसर नंबर टू में। आंसर नंबर वन मैं आपको लिखवा देती हूँ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग पर एक निबंध आपको लिखना है। तो निबंध आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में जो हमारी सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आपकी एजुकेशन में भी लोगों ने घर बैठ के भी काम किया है, अपने घर से वर्क फ्रॉम होम किया है, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, और आज के टाइम में मतलब ये और ज्यादा ग्रो होती जा रही है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र के निर्माण और विकास में मदद करती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अच्छा बताइए, आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन क्लासेस अब अच्छी लग रही है, जब आपके पास ज्यादा टीचर्स हैं, कि आप नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ गए हैं आपके पास, कि हाँ भाई आप किसी भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है स्कूल का टीचर अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको कोई ऑनलाइन टीचर अच्छा लग रहा है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है? ठीक है, शिक्षण और सीखने की शैक्षणिक पद्धतियों में सुधार हो रहा है, आईटी स्कूल प्रणाली, छात्रों की गतिविधि और भी इनको बेहतर बनाया है। अब देखो, मेडिकल सेक्टर में भी, चिकित्सा सूचना में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग रिकॉर्ड प्रविष्टियों, रोगियों के इतिहास को जानने के लिए, उनकी निर्धारित खुराक को समय अनुसार देने के लिए भी क्या होता है, ये दिया होता है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो आप और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं जो आपको आते हैं, जो आपको लग रहा है कि अच्छा भाई हमारे एजुकेशन के लिए अच्छा सिस्टम है, हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो सही हो जाता है, जो ट्रेन है वो भी एक तरीके से देख सकते हैं कि बहुत इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है फटाफट की ट्रेन कहाँ पहुंच गई है, और आजकल रिपोर्ट्स भी जितनी इतनी जल्दी आ जाती है जितना पहले नहीं आती थी, तो हमें देशों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, तो ये भी आप देख लिख सकते हैं इसमें। तो आप और ज्यादा सिंपल भी इसमें लिख सकते हैं। ये एक ऐसा मतलब क्वेश्चन है जिसमें आप अपनी तरफ से आंसर बनाकर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।